हेलो एवरीवन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी इंग्लिश तो आज हम इंग्लिश लिटरेचर का एक और प्रैक्टिस सेट लेकर आपके सामने आए हैं इससे पहले भी मैं काफ़ी सारे प्रैक्टिस सेट सॉल्व करा चुकी हूँ तो आप उन्हें भी इसी चैनल पर जाकर देख सकते हैं तो आज हम इंग्लिश लिटरेचर का ये प्रैक्टिस सेट लाए हैं ठीक इस है इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं जिन्हें हम सॉल्व करने वाले हैं और तो फिर चलिए शुरू करते हैं हम पहले क्वेश्चन से यस इससे पहले ही मैं आपको बता दूं कि आपको क्या करना होता है आपको एक पेपर और एक पेन लेना है ठीक है आपको हर एक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है वीडियो को पोज करना है अपना आंसर नोट डाउन कर लेना है कि मैं इस आंसर को कंफर्म करता हूँ ओके उसके बाद वीडियो को दोबारा से शुरू करेंगे और अपने आंसर को मैच करना है ओके तो हम शुरू करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से फर्स्ट क्वेश्चन इज ठाकरेज एजमंड इज अल ऑफ हिस्टोरिकल रियलिज्म कैप्चरिंग द स्प्रिट ऑफ बताइए विलियम ठाकरे का एक नावल है जिसका नाम है एसमेंट ठीक है ये एक नावल है जो हिस्टोरिकल रियलिज्म पर आधारित है ठीक और हिस्टोरिकल रियलिज्म में कैप्चर द स्प्रिट ऑफ मतलब इसमें किसी स्प्रिट की बात की गई है वो कौन है ऑप्शंस हैं मतलब किस एज से बिलोंग करती है वो ऑप्शंस हैं आपके पास मेडिवल एज एलिजाबेथन एज एज ऑफ द क्वीन एना एंड विक्टोरियन एज तो ये जो हिस्टोरिकल uh, रियलिज्म की स्प्रिट है वो कौन सी एज से बिलोंग कर रही है मेडिवल एज से एलिजाबेथन एज से एज ऑफ क्वीन एना से या विक्टोरियन एज से क्या हुआ इसका करेक्ट आंसर सोचिए आंसर कीजिए यस yes, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए मिडियबल एज ओके शी बिलोंग बिलोंग टू टू दिस मेडिएबल एज ओके नाउ मूविंग टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन यस से देख लेते हैं एडिपस कॉम्प्लेक्स अक्सर आपने सुना होगा इनफैक्ट जो शेक्सपियर का एक वर्क है जिसमें यह कहा जाता है कि उन्होंने एडिपस कॉम्प्लेक्स वाली थियरी को भी डाला है तो उस वर्क का नाम क्या है ये आपको मुझे बताना है ठीक है अब इसके ऑप्शंस पढ़ लेते हैं डिपस कॉम्प्लेक्स है क्या एग्जैक्टली exactly? तो अ काइंड ऑफ फिजिकल एलिमेंट अ काइंड ऑफ विटामिन आ ब्रदर्स अट्रैक्शन टुवर्ड हिज सिस्टर एंड आर सन्स अट्रैक्शन टूअर्ड हिज मदर क्या होगा राइट आंसर वॉट इज एडिपस कॉम्प्लेक्स यस yes, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी अन्स अट्रैक्शन टू हिज मदर और ऐसा शेक्सपियर के कौन से वर्क में देखने को मिलता है यस yes, उसका नाम क्या है हैमलेट जिसे टी एस इलियट ने क्या कहा है फेलियर ठीक है नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर थ्री है माय ओन ग्रेट रिलीजन इज अ बिलीव इन ब्लड

ऑप्शन है आपके पास ग्राहम ग्रीन डीएच लॉरेंस चार्ल्स वट इज द करेक्ट आंसर यस ये जो कोटेशन दी है वो किसने दी है डी एच लॉरेंस ने ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर कोटेशन है माई ओन ग्रेट रिलीजन इज अ बिलीव इन ब्लड

शेक्सपियर मेक्स फन ऑफ प्यूरिटन्स यस इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ट्वेल्थ नाइट ओके क्योंकि शेक्सपियर ने माल वेल्यू के थ्रू ट्वेल्थ नाइट में ही प्यूरिटन्स का मजाक उड़ाया है ठीक है नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन यस क्वेश्चन नंबर फाइव द रेयर एक्शन इज इन वर्च्यू दैट इन विजेंस या वेंजेंस तो द लाइन अकर्स इन लाइन कहां पर देखने को हमें मिलती है द रेयर द रेयर एक्शन इज इन वर्च्यू दैट इज वेंजेंस ऑप्शन है आपके पास हेमलेट हैनी फोर्थ पार्ट वन टेम्पल्स ट्वेल्थ नाइट क्या होगा इसका करेक्ट आंसर सोचिए आंसर कीजिए यस yes, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी द टेम्पेस्ट ओके नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन इसे देख लेते हैं जेन आस्टीन प्राइड एंड पेजुडाइज इज अ बताइए जेन आस्टीन ने ये जो वर्क लिखा है प्राइड एंड पेजुडाइज ये प्राइड एंड प्रेजुडियस ये किस टाइप का नॉवल है ऑप्शन आपके पास पिकार्सक्यू नॉवल गौथिक नॉवल डोमेस्टिक नॉवल हिस्टोरिकल नॉवल किस तरीके का है ये सोचिए और आंसर कीजिए क्या हो सकता है इसका राइट आंसर यस yes. इसका करेक्ट आंसर है डोमेस्टिक नॉवल ओके okay? तो प्राइड एंड पेजाइस को किस कैटेगरी में रखेंगे हम डोमेस्टिक नॉवल की कैटेगरी में ओके okay? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सेवन हेवन लाइज़ अबाउट अस इन आर इनफेंसी दिस लाइन अकर्स इन द पोए बताइए ये लाइन किस पोएम में हमें देखने को मिलती है लाइन बहुत ही अच्छी है और बहुत ही फेमस लाइन है ठीक है लाइन in okay? है आपके पास इमोर्टेलिटी ओड टिंटर नेबी द सेकेंड कमिंग लीडर एंड द स्वान क्या होगा करेक्ट आंसर वन लाइज अबाउट अस इन आर इन्फेंसी यस ये लाइन ली गई है इमोर्टैलिटी ओड से ठीक है ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बर्ड्स वर्थ कॉल्स हिमसेल्फ अर्शिफर ऑफ नेचर इन हिस्स पोएम बर्ड्स वर्थ ने अपने आप को वर्शिफर ऑफ नेचर कहा था तो बताइए किस पोएम में कहा था ऑप्शन है इमोर्टेलिटी और टिंटर भी प्रूड सॉलिटरी रीपर क्या होगा इसका राइट आंसर सोचिए और आंसर कीजिए वर्शिफर ने सॉरी वर्सवर्थ ने अपने आप को वर्शिफर ऑफ नेचर किस पोएम में कहा है यस yes. इस पोएम का नाम है टिंटर भी ऑप्शन नंबर बी इज दी राइट आंसर

क्या होगा करेक्ट आंसर सोचिए आंसर कीजिए यस जब पहली बार एटीन जीरो टू में पब्लिश हुई तो इसके स्टेंजे वन टू फिफ्थ थे ठीक है ऑप्शन नंबर बी इज दी राइट आंसर नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर टेन विच मेथड ऑफ नरेशन हैज बीन एम्प्लॉयड बाई डिक्स इन इज नॉबल ग्रेट एक्सपेक्टेशन बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन है आपके पास डायरेक्ट और एपिक मैथड डॉक्यूमेंट्री मैथड स्ट्रीम स्ट्रीम ऑफ कॉन्सियसनेस टेक्निक या ऑटोबायोग्राफिकल मैथड क्वेश्चन था हमारा विच मैथड ऑफ नरेशन हैज बीन एम्प्लॉयड बाई डिक्स इन इज नॉबल ग्रेट एक्सपेक्टेशन तो डिकेंस ने अपने वर्क ग्रेट एक्सपेक्टेशन में कौन से मेथड को अप्लाई किया है कौन सी टेक्निक को लगाया है क्या हुआ yes, इसका राइट आंसर यस इसका नाम है डायरेक्ट एंड एपिक मेथड ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हु सेड वाज़ अ ग्रीक यह बात किसने कही थी ऑप्शन है आपके पास बर्ड्स बर्थ कॉलेज लैम्ब शैली किसने कहा था ये कीट्स ग्रीक सोचिए आंसर कीजिए कीट्स के में किसने कहा था ये क्या हो सकता है इसका राइट आंसर सोचिए और आंसर कीजिए यस yes, इसका करेक्ट आंसर है कॉलेज और शैली ने कीट्स की याद में एक इलेजी लिखी थी उसका नाम क्या है यस yes. लेजी इज एडोनियस ठीक है ये पी वी शैली ने जॉन कीट्स की याद में लिखी थी नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व डी जी रसेटी वॉज अ ट्रू लिटरेरी डिसेंडेंट ऑफ बताइए डीजी रेसिडी जो थे वो किसके डिसेंडेंट थे लिटरेरी डिसेंडेंट ऑप्शनस हैं आपके पास कीट्स बायरन शैली बर्सवथ क्या होगा इसका राइट आंसर सोचिए आंसर कीजिए हां डीजी रोसेटी वाज अ ट्रू लिटरेरी डिसेंडेंट ऑफ कीट्स ऑप्शन नंबर ए इज दी राइट आंसर ए नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर थर्टीन टू विच कैरेक्टर इन हेमलेट डी फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन अप्लाई बताइए हेमलेट जो प्ले है शेक्सपियर का उसमें टू विच कैरेक्टर ठीक है किस कैरेक्टर के लिए इन हेमलेट डज द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन अप्लाई ये जो नीचे डिस्क्रिप्शन है वो अप्लाई होता है डिस्क्रिप्शन क्या है द टीडियस वाइज एकर मेडल्स हिज वे टू हिज डूम ऑप्शन है आपके पास क्लोडियस हेमलेट पॉलोनियस रोजन क्रांड्स क्या होगा इसका राइट आंसर सोचिए और आंसर कीजिए यस द टीडियस वाइजिकू मेडल्स इज वे टू हिज डूम सोचिए और आंसर कीजिए यस इट इज हेमलेट ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फोर्टीन है ब्रेविटी इज दॉल ऑफ विट इज द कोटेशन फ्रॉम बताइए ये जो कोटेशन है बहुत ही फेमस है अक्सर पूछ ले पूछने वाली है मोस्ट इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में आप इसे रख सकते हैं ठीक है क्या है ब्रेविटी इज द सॉल ऑफ विट कोटेशन किसने दी है ऑप्शन आपके पास मिल्टन विलियम शेक्सपियर टी एस लियर ट्रस्किन क्या होगा करेक्ट आंसर सोचिए आंसर कीजिए क्या हो सकता है इसका राइट आंसर ब्रेविटी इज दॉल ऑफ विट किसकी कुटेशन है ये वेरी इजी क्वेश्चन ये कुटेशन है विलियम शेक्सपियर की ऑप्शन नंबर बी इज दी राइट आंसर नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इसे देख लेते हैं डोस्ट दाउ थिंक बिकॉज दाउ आर्ट वर्चुअस, देयर शैल बी नो मोर केक्स एंड एल हु स्पीक्स द लाइन गिवन अबव इन ट्वेल्थ नाइट बताइए ट्वेल्थ नाइट की ये लाइन है ऊपर दी हुई है किसने कही है लाइन है दो थिंक बिकॉज दाउ आर्ट वर्चुअस देयर शैल बी नो मोर केक्स एंड एल्स ऑप्शन आपके पास ड्यू कॉर्सिनो ट्वेल्थ नाइट के बारे में है और ट्वेल्थ नाइट के कैरेक्टर्स नहीं ये कहा है ठीक है तो ऑप्शन है आपके पास ड्यू कॉर्सिनो मालवेलियो सर एंड्रो या फिर सर टोबी ब्लीच क्या हुआ इसका राइट आंसर सोचिए आंसर कीजिए यस yes, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी सर टोबी ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन है इन पैराडाइज लॉस्ट बुक वन सेटन इज द एम्बॉडीमेंट ऑफ मिलिटन्स ऑप्शन है आपके पास सेंस ऑफ इंजर्ड मैरिट हेट्रेड ऑफ टायरनी स्प्रिट ऑफ रिबॉल्ट ऑल ऑफ दीज क्या होगा इसका राइट आंसर पैराडाइज लॉस्ट बुक वन में सैटन इज दी एम्बॉडीमेंट ऑफ मिल्टन सोचिए आंसर कीजिए क्या हो सकता है इसका राइट आंसर यस yes, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी स्प्रिट ऑफ रिबोल्ट ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सेवेंटीन है हु कोल्ड पोइट्री द ब्रेथ एंड द फाइनल स्प्रिट ऑफ ऑल नॉलेज किसने कहा है पोइट्री के बारे में ये बहुत ही अच्छी लाइन कही है द ब्रेथ एंड द फाइनल स्प्रिट ऑफ ऑल नॉलेज ऑप्शन है आपके पास विलियम बर्सपर्थ शैली कीट्स कॉलेज क्या होगा इसका राइट आंसर अच्छा? किसने कहा है ये देखिए ये बात कही गई है विलियम बर्सवर्थ के द्वारा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर एटीन है ट्वेल्थ नाइट ओपन्स विद द स्पीच ऑफ ट्वेल्थ नाइट जो है वो किसकी स्पीच से शुरू होता है ऑप्शन है वॉयला ड्यूक अलीबिया या मालवेल्यू क्या हो इसका राइट आंसर सोचिए आंसर कीजिए ट्वेल्थ नाइट ओपन विद द स्पीच ऑफ यस स्पीच ऑफ ड्यूक ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर नाओ नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं व्हाट व कॉज ऑफ बिलियम्स डेथ इन सन्स एंड दस बताइए जो सन्स एंड दवर्स वेरी फेमस वर्क है उसमें विलियम की डेथ का रीजन क्या था ऑप्शन है आपके पास एन एक्सीडेंट एन ओवरडोज ऑफ मॉर्फिया सुइसाइड या फिर न्यूमोनिया क्या होगा इसका करेक्ट आंसर विलियम की मृत्यु का कारण क्या था यस yes. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी न्यूमोनिया ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन विच पोएम ऑफ कॉलिस इज एन ओपियम ड्रीम कॉलेज की कौन सी पोएम है जो ओपियम ड्रीम यानी कि अफीम के सपने जैसा है ऑप्शन है आपके पास कुबला खान क्र, क्राइस्टबल या क्राइस्टबल और एंशियन मेरी ओड इन ईयर क्या हुआ इसका आंसर मिस पोएम ऑफ कॉलेज इज एन ओपियन ओपियम ड्रीम ओपियम ड्रीम ट इज क्या होगा इसका राइट आंसर यस दैट इज कुबला खान ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन से देख लेते हैं विच स्टें फॉर्म डिड शैली यूज इन हिज फेमस पोएम ओड टू द बिंद देखिए बहुत ही फेमस पोएम है शैली की और शैली ने इसमें क्या रहा है यूज इन इज फेमस पोएम विथ स्टेंजा फॉर्म अच्छा शैली ने ये पूछा है मतलब इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि शैली ने ओ टू द वेस्टमिन में किस तरीके की स्टेंजा फॉर्म का यूज़ किया है ऑप्शन हैं आपके पास राइम रॉयल ऑटा रहीमा टेरजरिमा स्पेन्न स्टेंजा क्या हुआ इसका राइट आंसर शैली ने कौन सा पोइटिक फेमस पोइटिक स्टाइल लिया है या ये कहें कि कौन सी स्टेंजा फॉर्म का यूज किया है यस इट्स नेम इज टेरेजा रिमा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर नाउ ओके इसे भी देख लेते हैं द फ्रेज पथेटिक फॉलिसी इज कॉइन बाय बताइए ये किसके द्वारा क्वाइन की गई थी ऑप्शन है आपके पास मिल्टन कॉलिस कार्लाइल जॉन रस्किन क्या हुआ इसका राइट आंसर पथेटिक पॉलिसी किसके द्वारा कोइन की गई थी सोचिए आंसर कीजिए यस इट इज कॉइन बाय जॉन रस्किन ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ओके ओके okay, तो आज के लिए हमारे पास नए क्वेश्चन थे आई होप मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी अगर अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और अगर आप मुझे कोई सजेशन देना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं यदि आपको कोई टॉपिक समझ नहीं आ रहा है और आपको उस पर वीडियो वीडियो चाहिए तो मैं उस पर भी अवेलेबल कराऊँगी ठीक है उस टॉपिक पर ओके okay? तो तब तक के लिए आप चाहें तो मेरे सारे प्रैक्टिस सेट्स देख सकते हैं चैनल पर पड़े हुए हैं ग्रामर के प्रैक्टिस सेट मैंने अलग से सॉल्व कराए हैं लिटरेचर के सेट्स अलग अलग से सॉल्व करा रही हूँ और साथ ही हम सेक्शुअल स्पेशल के कुछ टॉपिक्स भी लेकर चल रहे हैं ठीक है तो आप उन सभी को देख सकते हैं ठीक है तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग कीप लर्निंग